नमस्कार, आप देख रहे हैं जनाक्रोश और आपके साथ मैं हूं दीपक कुमार। आज बात करेंगे बक्सर के सदर अस्पताल की। सदर अस्पताल के कर्मियों की लापरवाही कहें या फिर लाचारी, कारण चाहे जो भी हो, स्वास्थ्य कर्मी की मौजूदगी में एक घायल व्यक्ति तड़पता रहा, क्योंकि अस्पताल में न ही रुई थी और न ही बैंडेज, जिससे घायल व्यक्ति के शरीर से बहते खून के बहाव को रोका जा सके। ये दशा अस्पताल प्रशासन से लेकर सरकार के दावों की पोल खोलने के लिए काफी है। अब सवाल उठता है कि हर साल बजट में स्वास्थ्य विभाग के लिए करोड़ों रुपए की घोषणा होती है, लेकिन फिर भी बिहार का स्वास्थ्य विभाग फेल है, क्यों? जनाक्रोश में इसी मुद्दे पर आपकी राय जानेंगे। बिहार के सरकारी अस्पतालों का हाल किसी से छुपा नहीं है, लेकिन अब तो हद ही हो गई है। गोली का शिकार शख्स जब इलाज के लिए पहुंचा बक्सर सदर अस्पताल, तो वहां न रुई थी न सुई, देखिए क्या स्थिति थी। बक्सर के सदर अस्पताल की बदहाली की खबर आए दिन दिखाते हैं, लेकिन कोई सुधार नहीं हो रहा। अब तो हद ही हो गई। सदर अस्पताल में न रुई है न पट्टी। जी हाँ, ये 100% सच है। जब गोली के शिकार एक व्यक्ति को जख्मी हालत में अस्पताल लेकर पहुंचे, तो इस शख्स की हालत खराब थी। खून से लथपथ था और सबसे पहले इसे ड्रेसिंग की जरूरत थी। लेकिन देखिए, अस्पताल कर्मी के होने के बाद भी कुछ नहीं कर रहा है, क्यों? जरा सुनिए आप खुद। क्या क्या यहाँ ओटी में कमी है? ओटी में क्या क्या कमी है? क्या 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 नहीं बता रहे? जी हाँ, सही सुना आपने। बक्सर सदर अस्पताल में न रुई है न पट्टी। अब कैसे होगी मरहम पट्टी? जब डॉक्टर से पूछा गया तो वो अपनी बेबसी बताने लगे। खुद माना कि अस्पताल में न रुई है न दवा। क्या करें, अब गवर्नमेंट अब जो देगी उसी में हम लोगों को सेवा देना है। अब जो हमारे पास रहती है उसके अनुसार मैं मेडिकल फैसिलिटी दे रहा हूँ, जो है दे रहा हूँ पेशेंट को। जो नहीं है वो रिक्वेस्ट करते हैं पेशेंट, क्या करें, आप मेरे पास अवेलेबल नहीं है। और प्रशासन अब देखेंगे कि भाई क्यों नहीं है, क्या प्रॉब्लम हो, तो हम नहीं कमेंट कर सकते उसके बारे में। अभी 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 जो ओटी में ये गनशॉट का मामला था, एक कॉटन और बैंडेज तक नहीं था। हाँ, हमारे पास थोड़े से कॉटन थे, तो हमने कुछ कॉटन दिए। जो बैंडेज एक दो हमारे पास पड़े हुए थे, मैंने एक दो ही दिया है, लेकिन क्या करें, हमारे पास नहीं थे। 4-5 बैंडेज की जरूरत थी, तो हमने एक दो बैंडेज 3 बैंडेज बाहर से मंगवाया है, लेकिन जो एक दो थे मेरे पास मैंने दे दिया, और कॉटन भी जो थे मैंने दे दिया है। अब इसके बारे में हम कमेंट नहीं कर सकते हैं, प्रशासन का प्रॉब्लम है। प्रशासन देंगे तो हम देंगे पेशेंट को, नहीं देंगे तो हम। कितनी परेशानी आप लोगों को होती है? बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। परेशानी तो इतनी हो रही है कि ना तो मेडिसिन हमारे यहाँ है अच्छे, मतलब जो जरूरत बेसिक मेडिसिन है वो भी पेशेंट के लिए नहीं मिल पा रहा है। असुविधा तो बहुत हो रही है, उसकी वजह से पेशेंट हमें हमेशा बार बार मिसबिहेव करते हैं, गाली देते हैं, हाथ भी छोड़ देते हैं। ऐसी स्थिति हो गई, ये सब की वजह से। कभी मेडिसिन नहीं है तो पानी नहीं है, हैवी फ्लूड नहीं है तो कभी पेन किलर नहीं है। बक्सर के इमरजेंसी सेवा का कड़वा सच सामने आने के बाद क्या सुधार हो पाएगा? अस्पताल में मरीज बिना मरहम पट्टी के तड़प रहे हैं। कहां गया स्वास्थ्य पर खर्च होने वाला बजट? बहरहाल, अस्पताल का हाल कब सुधरेगा ये हम नहीं कह सकते, लेकिन इतना जरूर कहेंगे, न आना ऐसे अस्पताल में जहां न रुई न सुई। न्यूज इंडिया के लिए बक्सर से संजय उपाध्याय की रिपोर्ट। शायद इस मंत्रालय की ही बिहार को कोई आवश्यकता नहीं है। मरीज ऐसे भी भगवान भरोसे किसी तरह या तो बच जा रहे हैं या मर जा रहे हैं। जिनमें क्षमता है वो सरकारी सुविधाओं के बजाय प्राइवेट क्लिनिकों में अपना इलाज करा रहे हैं। तो जब सरकारी स्वास्थ्य सेवा में कुछ उपलब्ध ही नहीं, तो फिर इस मंत्रालय की क्या आवश्यकता है? जब पैसा खर्च ही नहीं हो रहा है, तो फिर इस व्यवस्था का, इस तामझाम का, इस नाम का क्या मतलब है? आप भी इस मुद्दे पर अपनी बात हमारे साथ साझा कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, नंबर्स पर कॉल करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपनी प्रतिक्रिया साझा कर सकते हैं।
हालात तो ये हैं कि न रुई है न मरहम पट्टी। तो अगर बीमार व्यक्ति अस्पताल पहुंचे, घायल स्थिति में किसी को अस्पताल ले जाया जाए, तो उसके इलाज की कोई व्यवस्था नहीं, और जब सब खरीद कर ही अस्पताल में पहुंचाना है तो फिर अस्पताल जाने की ही क्या जरूरत। डॉक्टरों की भी लाचारी है, उनका कहना है कि वो उनकी जिम्मेदारी नहीं, प्रबंधन की जिम्मेदारी है, प्रशासनिक महकमे का काम है सामानों का इंतजाम करना। तो इस मुद्दे पर आप भी अपनी बात हमारे साथ साझा कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, इन नंबर्स पर कॉल करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो आप भी हमें फोन करें, हमारा फोन नंबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। यह है सरकारी स्वास्थ्य सुविधा की स्थिति, तो क्यों ना कहें लोग, कि जब मर्ज का इलाज कराना हो तो सरकारी अस्पतालों का रुख ना ही करें तो बेहतर है। जब और रुई और सुई का इंतजाम तक नहीं कर पा रहा सरकारी महकमा, तो फिर किस काम की ये सरकार, किस काम के स्वास्थ्य मंत्री और किस काम का स्वास्थ्य मंत्रालय। अस्पतालों में बस ताला जड़ना बाकी है, दर्द तक की दवाएं नहीं। रुई और सुई तक का इंतजाम नहीं तो फिर क्या कर रहे हैं स्वास्थ्य मंत्री। गणेश एक दर्शक पटना से जुड़े हुए हैं। जी गणेश जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? जी नमस्कार सर। नमस्कार, बोलिए। हम तो यही कहेंगे सर कि सरकार के या कर्मचारी के परिसर व्यवस्था है ही, साथ साथ जनसंख्या वृद्धि का भी साइड इफेक्ट है। जनसंख्या के हिसाब से सरकार व्यवस्था उतना नहीं कर पा रही है, इस वजह से थोड़ा ज्यादा लोगों को परेशानी हो रही है। जी धन्यवाद गणेश जी अपनी बात रखने के लिए। आप भी हमें फोन करें, हमारा फोन नंबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, इन नंबर्स पर कॉल करके आप अपनी बात हमारे साथ साझा कर सकते हैं। करोड़ों के बजट से ठेला भी खर्च नहीं किया गया, पाई पाई संजोकर न जाने सरकार क्या करेगी। और इधर मरीज रुई और सुई के अभाव में तड़प रहे हैं सरकारी अस्पतालों में। दवाएं हैं नहीं, दुआओं पर काम चल रहा है। रविशंकर एक दर्शक पटना से जुड़े हुए हैं। जी रविशंकर जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? ये कहना चाहता हूँ ना सर, ये जो भी समस्या हमारा देश में आज पॉपुलेशन के लेकर है, इतने पॉपुलेशन हो गया कि अस्पताल में जाते तो सीट नहीं मिलता है, रेलवे में जाते हैं तो जगह नहीं मिलता है। ये पॉपुलेशन पर जब तक गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करेगी कोई उपाय नहीं है देश का भरा होने का। जी रविशंकर जी, कभी प्राइवेट हॉस्पिटल में गए हैं आप? वहाँ किसी पॉपुलेशन की समस्या हुई है आपको? तो ठीक है आपके कहना, तो सब अपना फेमस में ना है कि उतना आदमी हिंदुस्तान में 80% गरीब आदमी लोग हैं, खाता कमाता लोग हैं। तो सरकार किस लिए है रविशंकर जी? सरकार तो ठीक है, सरकार क्या कर सकती है? सरकार चाहे कि 10 सीटर बनाते हैं, अगला साल उसको फिर 12 का जरूरत पड़ जाता है, फिर अगला साल बढ़ाता है, फिर 15 को जरूरत पड़ जाता है। ये पॉपुलेशन जो बढ़ रहा है हिंदुस्तान का, बहुत बढ़ता ही जाने वाले में समस्या है। बिल्कुल, धन्यवाद रविशंकर जी।
मुद्दे पर आप भी अपनी बात हमारे साथ साझा करें। हमारा फ़ोन नंबर आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये बक्सर के सदर अस्पताल की है, ISO प्रमाणित ये अस्पताल, जहां डॉक्टर लाचार खड़ा देख रहा है, मरीज का खून बह रहा है और मरीज धीरे धीरे मरने को है, पर डॉक्टर कुछ नहीं कर सकता क्योंकि साधन नहीं है, न रुई न दवा न सुई न पट्टी। ये है ISO प्रमाणित बक्सर सदर अस्पताल का हाल। और जब मरीज के परिजन बाहर से खरीद कर लाते हैं तो फिर उसका इलाज शुरू होता है। रंजीत प्रसाद एक दर्शक धनबाद से जुड़े हुए हैं। जी रंजीत जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? मैं ये कहना चाहता हूँ श्रीमान, कि स्वास्थ्य विभागों में जो भी कार्यकर्मी होते हैं, मान लीजिए 80 मरीज हुआ तो 40 मरीज का तो दवा जो है, 40 मरीज को दवा दिया गया और जैसे डॉक्टर 6 टेबलेट पी रहे हैं, 2-3 को दिया गया, मैंने उसके जो कर्मचारी हैं आधा दवा को घर ले जाया जाता है, छानबीन करेंगे तो निश्चित रूप से आपको पता चल रहा है कि उनके घरों में कितने दवा रखेगा और प्राइवेट में उसको भेज दिया जाता है। इस तरह से कार्यक्रम होता है, मैंने खुद देखा है जी। इसलिए आपको श्रीमान पूरे निरीक्षण किया जाए, पूरे सही जाकर के इस तरह का पर्दा साफ कर सकते हैं और डॉक्टर के द्वारा जो मेडिसिन लिखा जाता है वह डॉक्टर के द्वारा दिशा निर्देश किया जाता है कि आप फलाना जगह से दवा लीजिए, वहाँ पर ब्लड जांच कराइए। और सब कमीशन में कार्यक्रम होता है, 30% डॉक्टर का कमीशन होता है और इस तरह का कार्यक्रम को रोकने के लिए आप निश्चित रूप से खुफिया तंत्र को लगाइए, निश्चित रूप से डॉक्टर पकड़े जाएंगे, वहाँ के कर्मचारी पकड़े जाएंगे, तभी सुधार हो सकता है। बेटा आप भी कहते रहिए, आप मैं भी सुनते रहूँगा, मैं भी बोलते रहूँगा, ख्याल रखने की जरूरत है। जी धन्यवाद रंजीत जी अपनी बात हमारे साथ साझा करने के लिए। जब एक आम आदमी इतनी बातें जान रहा है तो खुफिया तंत्र की क्या आवश्यकता है, सब कुछ खुले में है। सवाल उठता है कि क्या सरकारी महकमे को इस बाबत जानकारी नहीं, या सब कुछ देखते सुनते भी आँख और कान बंद किए हुए है। सरकारी व्यवस्था इस वजह से बदहाल है। इस मुद्दे पर आप भी अपनी बात हमारे साथ साझा कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, नंबर्स पर कॉल करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। गोली से घायल एक व्यक्ति को अस्पताल में लाया जाता है लेकिन वहां डॉक्टर लाचार मरीज का खून बहते देख रहे हैं क्योंकि उनके पास न रुई है न पट्टी कि उसके जख्मों का इलाज किया जा सके। मरीज के परिजन बाहर से रुई सुई दवा खरीद कर लाते हैं, तब वहां मौजूद डॉक्टर मरहम पट्टी करते हैं। ये हालात है बिहार के बक्सर जिले के ISO प्रमाणित सदर अस्पताल का। तो अगर कोई परेशानी हो स्वास्थ्य संबंधी, चिकित्सकीय सुविधा की आवश्यकता हो और आप
निजी क्लिनिक या निजी अस्पताल में जाने की क्षमता आप में ना हो, महंगे इलाज वहन करने की आपकी हैसियत ना हो, तो चैन की बंसी बजाएं, लेकिन सरकारी अस्पताल न जाएं। ये है सरकारी अस्पताल का हाल। जब अस्पतालों में रुई सुई मरहम पट्टी तक का इंतजाम नहीं हो पा रहा, तो फिर क्या आवश्यकता है ऐसे विभाग की, ऐसे मंत्रालय की? जब कोई काम ही नहीं, तो फिर मंत्रालय किस काम का? और जब मंत्री जी हैं, मंत्रालय है, पूरा महकमा है, तो फिर अस्पतालों में सुविधाएं क्यों नहीं? पर आप भी अपनी बात हमारे साथ साझा करें। हमारा फोन नंबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, इन नंबर्स पर कॉल करके आप अपनी बात हमारे साथ साझा कर सकते हैं। आप भी हमें फ़ोन करें, हमारा फ़ोन नंबर आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, इन नंबर्स पर कॉल करके आप अपनी बात हमारे साथ साझा कर सकते हैं। मोहम्मद सद्दाम हुसैन बेगूसराय से एक दर्शक जुड़े हुए हैं। जी सद्दाम जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? जी सर, आपको आपके चैनल के माध्यम से कहना यही चाहेंगे कि बेगूसराय जिला सदर अस्पताल में आज से दो दिन पहले एक आर्मी जवान जो नशा पुरानी गिरोह का शिकार हो गया था जी। उसका लाश लगभग दो दिनों तक बेगूसराय सदर अस्पताल में पड़ा रहा और मानवता शर्मसार हुई और उसको जो है कीड़ा नोच नोच के खाता रहा। पूरे बिहार में जो है ऐसा स्थिति बन रहा है, स्वास्थ्य के नाम पे सिर्फ लूट खरोस हो रहा है और जो मतलब मानवता को शर्मसार किया जा रहा है, लाश तक को रखने के लिए जगह नहीं है, तो फिर जो है विकास का मुद्दा जो है कहाँ से आता है? कम से कम तो सदर अस्पताल का जो स्थिति है वो अभी दयनीय हो चुका है, इससे सरकार को ध्यान देना पड़ेगा और स्वास्थ्य महकमे को इस पे जल्द से जल्द सुधार किया जाए, अन्यथा इससे बहुत बड़ा आंदोलन किया जाएगा। मानवता को शर्मसार किया जाता, बराबर ऐसा घटना देखने को मिलता है जो लाश जो है कुत्ता खा रहा है। सदर अस्पताल बेगूसराय से बराबर आपको ये सब खबर मिलता ही होगा, पिछले बार एक भूटान की महिला थी उसका भी लाश बेगूसराय सदर अस्पताल में खा रहा था जी। आपके माध्यम से हम जानकारी देना चाह रहे थे। बिल्कुल, धन्यवाद सद्दाम जी न्यूज इंडिया के साथ जुड़ने के लिए, ये बातें हमारे साथ साझा करने के लिए। उपेंद्र एक दर्शक पटना से जुड़े हुए हैं। जी उपेंद्र जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? देखिए, मेरा साफ साफ कहना है जी, इसके लिए सरकार दोषी है, माननीय मंत्री दोषी है, इसमें कहीं कोई दूमत नहीं है। इसमें सुधार होना चाहिए व्यापक जो है, और इसका जो है देख रेख होना चाहिए मंत्री के द्वारा। इस बात से मैं कहीं नहीं इनकार कर रहा हूँ, लेकिन ये डॉक्टर जो दोष ठहरा रहे हैं सरकार को, मैं पूछता हूँ उन डॉक्टरों से, किसी में हिम्मत है जो नीतीश कुमार के सामने खड़ा होके, चाहे पेशेंट रोगी और जनता के सामने खड़ा होके ये कहे
कि सरकार हमको ये व्यवस्था नहीं दे रही है, रुई नहीं है, ये नहीं है, आज मैं काम इसके एवज में बंद कर रहा हूँ। किसी ने आज तक कभी किया है? मैं मानता हूँ सरकार की सम, अरे जो पैसा मिलता है सारा ये डॉक्टर चपरासी से लेके उसका सुपरिटेंडेंट और असिस्टेंट खा जाते हैं और सरकार को दोषी ठहराते हैं। जिस दिन इन लोगों को थोड़ा सा ये पेशेंट लोग के साथ इस तरह से बिहेवियर डॉक्टर करते हैं कि आदमी मजबूर होके इनसे उलझ जाता है, उसके लिए तुरंत स्ट्राइक करके 10 पेशेंट का जान ले लेते हैं। और थोड़ा सा ये नहीं कर सकते सरकार के सामने कि ये अव्यवस्था है, मैं जहाँ काम कर रहा हूँ ये अव्यवस्था है, इसमें सुधार किया जाए, इसमें मानवता है, ये इन डॉक्टरों में इंसानियत है, आदमीयता है, सवाल पैदा नहीं होता है। सबसे बड़ा यदि दोषी या गुनाहगार कोई है तो ये डॉक्टर है। ये सिचुएशन जान से इन अस्पतालों में पैदा करते हैं ताकि इनके क्लिनिक में मरीज जाए। एजेंट और दलाल भोपाल के रखे हुए हैं। क्या सर इस बात को आप नहीं जानते हैं? क्या जनता नहीं जानती है? क्या नीतीश कुमार नहीं जानते हैं? एक झुनझुनना मिल गया कि पढ़ल नहीं है मंत्री दुनिया जान, अरे वो नहीं है पढ़ल चाहे जो भी है, टोनी पढ़ के क्या कर रहा है बताओ ना जनता के, टोनी के विद्वता कहाँ गया? आए आंध्रा के हाईकोर्ट पढ़ाता है। आए धन्यवाद उपेंद्र जी अपनी बात हमारे साथ साझा करने के लिए। चिकित्सकों की गलती है, चिकित्सक पिटने को तैयार हैं, व्यवस्था की ये स्थिति है। सुधीर एक दर्शक नवादा से जुड़े हुए हैं। जी सुधीर जी क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? देखिए मुद्दा कितने रोज एक नए नए मुद्दे पैदा होंगे और नए नए मुद्दे का जनता खुद ब खुद शिकार बनते जाए। ये तो आप लोग का एक ड्यूटी है कि आप जनता का दर्द को जो है एक जिम्मेवारी के साथ उठाते हैं। ये तो सबसे बड़ी उपलब्धि है कि लोग, हम जैसे लोग, तमाम लोग सब देखते हैं कि हमारी सरकार क्या कर रही है जी। सरकार नहीं अब रहा, सरकार जो है एक सिर्फ नाम रह गया। जैसे कहते हैं ना कि अंग्रेजों को मैंने भगा दिया, अंग्रेजी हुकूमत आज भी बाकी है जी। तो आज क्या स्थिति है? मतलब स्थिति है जनता को पस्त करना, जनता को बदहाल करना, जनता को मरहूम बना करके राजपाट करना। अब देखिए नीतीश कुमार जी बिहार के सुशासन बाबू के नाम से जाने जाते हैं। तो सुशासन एक शब्द जो है, पवित्र शब्द को उठा करके गला में पहन लेना एक आम सी बात हो गई। लेकिन आज इरादा देखिए, इरादा क्या है? हर जगह का, हर स्टेट का, हर देश का देखिए यही हाल है कि शिक्षा व्यवस्था चौपट, आपका अस्पताल का जो है स्वास्थ्य चौपट। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका क्या रूपरेखा? रूपरेखा तो जनता को तय करना है और जनता को बेचारगी महसूस होता है। जनता का जब जब दर्द होता है तब वो एक विकल्प खोजता है। हम जैसे जनता, हम जैसे लोग कई देश में है, सिर्फ यही रह गया राजा बनाना है, भोगी का शिकार बनना है। तो हम कहते हैं कि जब तक हम और सभी जनता नहीं जागेगी, ऐसे सरकार का जो रवैया रहा उसको नहीं ठुकरावेगा, तभी ये हाल तो बराबर बना हुआ रहेगा जी। और जनता कभी भी ये मांग नहीं किया है सरकार से या लोकतांत्रिक जो है संविधान से कि नहीं भाई हम तभी हम देंगे वोट का देने का अधिकार तभी मिले कि हमारे ही जिला में जनप्रतिनिधि का बेटा का, बेटी का, पत्नी का, सभी परिवार का इलाज हो। जब हमारा इलाज स्थानीय चिकित्सक में होता है तो हमारा जनप्रतिनिधि की कौन सा ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है कि नहीं यहाँ इलाज नहीं होगा, वहाँ तक कि देश का जो है सबसे सर्वोत्तम अस्पताल से लेकर वहाँ भी नहीं होता है तो कुछ ही क्षणों में विदेश चले जाते हैं। इस चीज को खत्म करना होगा, इसके लिए जनता को जागरूकता पैदा करना होगा और सरकार से मांग करना होगा कि आपका बेटा भी यही प्राथमिक विद्यालय में पढ़ेगा। जो प्रतिनिधि, जो सरकारी प्रशासन है बड़े हो या छोटे, उसका भी यही प्राथमिक विद्यालय में पढ़ना होगा। इसके लिए आप संविधान में संशोधन कीजिए, तभी जो है हम लोकतांत्रिक ढांचा का हम सम्मान करेंगे। यही होना चाहिए जनता में और यही जनता को इस चीज पर विचार करना होगा और जागरूक होना होगा। सिर्फ वोट देना और उसके बाद में अपना एक विकल्प ढूंढना,
सब का सब वही परिस्थिति में आ जाते हैं, सिर्फ देश को लूटने का काम करते हैं। जी धन्यवाद सुधीर जी, न्यूज इंडिया के साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात साझा करने के लिए। आप भी हमें फ़ोन करें, हमारा फ़ोन नंबर आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, नंबर्स पर कॉल करके आप अपनी बात हमारे साथ साझा कर सकते हैं। विकास कुमार एक दर्शक औरंगाबाद से जुड़े हुए हैं। जी विकास जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? विकास जी बोलिए। जनाक्रोश में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज इंडिया। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप न्यूज इंडिया .NIMS UNI पर हमें लाइक कर सकते हैं।